सरोगसीच्या नावावर प्रेम प्रकरणातून जन्माला आलेल्या नवजात मुलीची 7 लाखांना विक्री करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार नागपूरमध्ये घडला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात डॉक्टर आणि दलालाला अटक केली आहे. तसेच ज्या दंपत्याने या मुलीला विकत घेतलं त्या दंपत्यालाही पोलिसांनी मुलीसह हैदराबादवरून ताब्यात घेतलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूरच्या एका महिलेला प्रेम प्रकरणातून गर्भधारणा झाली होती. अनैतिक संबंधातून झालेल्या गर्भधारणेमुळे गर्भपाता करता त्या महिलेने आरोपी डॉक्टर विलास भोयर यांना संपर्क साधला होता. त्याच दरम्यान हैदराबाद येथील एका दाम्पत्याला मूल बाळ होत नसल्याचे, सरोगीसाच्या माध्यमातून बाळ जन्माला घालण्याची त्यांची इच्छा असल्याची माहिती डॉक्टर भोयरला मिळाली. त्यानंतर डॉक्टरने त्या महिलेला बाळ जन्माला घालण्यासाठी राजी करून घेतले. अर्थात या कामाच्या मोबदल्यात मोठी रक्कम मिळेल असे आश्वासनही दिलं. बाळाला जन्म देण्यासाठी महिला तयार झाल्यानंतर आरोपी डॉक्टरने हैदराबाद येथील दाम्पत्याला संपर्क साधून सरोगेसी गर्भधारणेकरिता एक महिला तयार असल्याची माहिती दिली. त्याकरिता डॉक्टरने 7 लाख रुपये वसूल केले होते. त्या दाम्पत्याला संशय येऊ नये म्हणून डॉक्टरने त्यांच्यावर उपचार सुरू करून त्यांचे शुक्राणूही मिळवले होते. 28 जानेवारी रोजी नागपूरमधील महिलेने एका मुलीला जन्म दिला. डॉक्टरांनी त्या नवजात मुलीची खोटी कागदपत्र तयार करून घेतली. या सर्व प्रक्रिया रीतसर पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टरने त्या नवजात मुलीला 7 लाख रुपयांच्या मोबदल्यात हैदराबादच्या दाम्पत्याला विकलं. दाम्पत्य नागपूर पोलिसांना या घडलेल्या प्रकाराबद्दल गुप्त पद्धतीने माहिती मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा करून घेत नागपूर पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपी डॉक्टर आणि दलालाला अटक केली आहे. एक गुप्त माहिती हमारे पास आई थी की एक कुछ ब्रोकर हैं और कुछ एक डॉक्टर हैं जो छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न बेबीज को का व्यापार का ट्रैफिकिंग कर रहे. इस गुप्त बातमी के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम लगाई गई थी और इसमें एक गुनाह दाखिल किया गया है. एक डॉक्टर भोयर हैं जो BMS डॉक्टर हैं उनको अरेस्ट किया गया है. उनके एक दलाल मुरेश्वर जो पहले पीटा एक्ट के आरोपी भी रह चुके हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है. इस मैटर में ऐसा समझ में आया है कि एक कपल जो हैदराबाद में रहते थे उनको लियोर करके यहाँ लाया गया. उनको जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको यहाँ ला करके सरोगेसी के द्वारा बच्चा बर्थ किया जाएगा ऐसा प्रकार के उन आश्वासन दे करके उनसे करीब 5-5.5 लाख में सौदा किया गया. एक दूसरे एक व्यक्ति एक लड़की जिसको कि अपना एबॉर्शन कराना था उसको इस साजिश में शामिल किया गया. उसका डिलीवरी फेक नाम पे कराया गया और वो करा करके उसके बाद ये बच्चे को हैदराबाद में बेचा गया था. ये गुनाह परसों दाखिल किया गया था और इसमें बच्चे को रिकवरी करने के लिए टीम हैदराबाद गई थी. वो न्यूली बॉर्न बेबी जो करीब 28 जनवरी के आसपास जिसका बर्थ हुआ था वो रिकवर करके लाया गया है. उसके जो कपल थे जिनको ये बेचा गया था उनको भी लाया गया है. फिलहाल अभी 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं. इसमें 370 IPC जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चीटिंग और फोर्जरी के डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत ऑफेंस दाखिल किया गया है. इसमें कुछ हॉस्पिटल्स कुछ डॉक्टर्स और भी संदेह के घेरे में हैं. इस प्रकार का गुनाह दाखिल किया गया है और तपास क्राइम ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है. हॉस्पिटल्स के साथ कुछ संस्थाएं भी इसमें शामिल हो सकती है, कुछ चांसेस है? ऐसा कुछ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन तपास बहुत ही प्राथमिक स्टेज पर है. इसकी विस्तृत जानकारी योग्य समय पर दी जाएगी.